झारखंड राज्य के विभिन्न हिस्सों में लगातार डॉक्टरों के साथ हो रहे हमले के खिलाफ अब डॉक्टर समुदाय नाराज है और सरकार के खिलाफ कहीं ना कहीं अपनी सुरक्षा को लेकर आंदोलन पर उतर रहे हैं। हमारे साथ अभी यहां पर आईएमए के लोग हैं, आईएमए के झारखंड सेक्रेटरी हैं, इनसे बात करेंगे। सर, डॉक्टरों में एक बड़ा विरोध और रोष है, कहीं ना कहीं ये विरोध और ये हमला डॉक्टरों की सुरक्षा को तार तार करता है। देखिए, ये स्वाभाविक है, आप लोग भी देख रहे हैं, हम लोग कभी भी किसी भी, आप देख रहे होंगे कि हम लोग कितने संयम रखते हैं। लगातार हम लोगों पे हिंसा हो रही है, बार बार हम लोग अनुनय विनय सरकार से कर रहे हैं, अनुरोध कर रहे हैं कि साहब आप हमको सुरक्षा दीजिए, हमारे डॉक्टर मारे जा रहे हैं, हमारे डॉक्टर का एक्सीडेंट हो रहा है, वहाँ उनकी मृत्यु हो जा रही है, हमारे डॉक्टर जल के मर रहे हैं, गढ़वा में किस तरह का हुआ आपसे छिपा हुआ नहीं है, अभी लोहरदगा सीएस के साथ हुआ, हजारीबाग में हुआ, धनबाद में हुआ, तो इस तरह की लगातार आज की जो घटना आप सुन रहे हैं कि 6:30 बजे सुबह में जिस तरह से एक वरिष्ठ चिकित्सक के साथ जो व्यवहार किया गया, तो क्या आप समझते हैं कि क्या सरकार इस पे क्यों डॉक्टरों को अभी तक इस जो लगातार हम लोग करवत प्रार्थना कर रहे हैं, अनुरोध कर रहे हैं, अनुनय भी नहीं कर रहे हैं, हम लोग मजबूरन, हम लोगों के पास अब सरकार ने कोई रास्ता छोड़ा नहीं, डॉक्टर कभी भी हड़ताल पे जाने। ग्रामीण क्षेत्र के बाद अब अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ गया है कि शहरी क्षेत्र में भी इस तरह की घटना को अंजाम दे रहे हैं, तो सुरक्षा को लेकर सरकार से मांग करेंगे क्या, चूँकि डॉक्टर पहले भी मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट की मांग करता रहा है। देखिए, मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट की बात मांग तो बरसों से है, हम लोग लगातार मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट, क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, रिम्स में जो हमारे चिकित्सक की जिस तरह से दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हुई, आज हमारा यहाँ पर जो सुबह की जो घटना है, गढ़वा में जो हुआ, लोहरदगा में जो हुआ, हजारीबाग में हुआ, हम सरकार से उन सारी मांगों को रख रहे हैं ना, हम एक के लिए नहीं कह रहे हैं, हम सारी चीज़ों को रख रहे हैं। अब अपनी सुरक्षा को लेकर ये विरोध का तरीका क्या होगा सर? देखिए, ऐसा है कि हम लोग अब बहुत हो चुका, अब हम लोग नहीं सहने वाले हैं, हमारा जो भी एक्शन होगा सरकार के साथ सामने सामने होगा, या तो हमारे जो हमारा जो अस्तित्व है, जो डॉक्टर का समाज में जगह होना चाहिए, वो सरकार हम लोग को दिलाए, नहीं तो हम लोग काम काज छोड़ के हम लोग भी बैठेंगे आराम से। इसलिए हम लोग 1 तारीख को 24 घंटे का कार्य बहिष्कार कर रहे हैं सभी जगह, जिसमें जितने भी डॉक्टर्स हैं जो हमारे झारखंड, पूरे झारखंड में सभी जिलों के स्तर पर इसको किया जाएगा। कि वैश्विक महामारी में जिन डॉक्टरों को कोरोना योद्धा कहा गया, जो लोगों की सुरक्षा के लिए लगातार तत्पर खड़े रहे, आज वही अपनी सुरक्षा को तरस रहे हैं। अब देखना होगा डॉक्टरों के इस विरोध के बाद सरकार क्या कुछ पहल करती है और इनका विरोध कहाँ तक जाता है। अपने सहयोगी अरविंद के साथ मोइजुद्दीन, समाचार प्लस, रांची।